हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार ये करा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स लैब। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। What is economic environment? सही सुना मैं सर, what is economic? सबसे पहले हम आशा करते हैं आपको, आप environment का मतलब क्या होता है? Environment का मतलब है हमारे चारों जो सब कुछ चीज़ें हैं उससे environment, यानी पर्यावरण, परिधन आवरण, पर्यावरण, जितने भी बायोटिक एबायोटिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग, इसे environment। अब इसका economic aspect क्या है? मार्केट में जितने environment में प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे उतने ही मार्केट में नेचुरल रिसोर्स एंड आर्टिफिशियल रिसोर्स बढ़ेंगे। और मार्केट में जितने नेचुरल रिसोर्स आर्टिफिशियल रिसोर्स बढ़ेंगे, मार्केट में प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। और जब मार्केट में प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम भी जनरेट होगा, और जितना इनकम जनरेट होगा उतना कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर उतना सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, और जितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो उतना प्रोडक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। ओके मैच। तो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा। ओके मैच। तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर नहीं मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ने सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दीन दुनी ना चौकड़ी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रेडिकल, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और मेरा बड़े आपके लिए, आप सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लाभ, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉट डस्ट नेवर मिस। ओके मैं, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से, मतलब फिक्स टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।